Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. How are you all? This is your science period. And today we are going to start our new lesson, life functions. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma. O my Lord, increase my knowledge. Open page number 22. Unit number 3, life functions. So class, as you have learned in previous classes about living things and non-living things, you all know that living things differ from non-living things, and all living things perform some jobs or tasks called functions. Sari living things kuch functions perform karti hain. For example, respiration. Sari living things respiration perform karti hain. Yes, all living things perform respiration to move, to grow, to produce waste, to need food. Yes class, और सारी living things के सबके पास, सारी living things के पास sensitivity होती है. तो sensitivity को किस तरह use करती हैं? Yes class, all living things use their senses. जी बेटा, सारी living things अपनी senses को use करती हैं ताकि find out करें कि surrounding में क्या हो रहा है. All living things use sensitivity. They use their senses. Now, come to page number 23. This is page number 23. Movement. So class, what is movement? Kya hoti hai movement? कोई भी function perform करते हैं ना, तो movement होती है. बहुत सारे एनिमल्स अपनी बॉडी के साथ मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, लेकिन प्लांट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं कर सकते. वो किस तरह मूव करते हैं? वो अपने कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं उन्हें मूव करते हैं. जैसे आपके पास ये देखें पिक्चर, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे क्या बना हुआ है? सीडलिंग्स हैं. सीडलिंग ग्रोइंग टूवर्ड सनलाइट. ये सीडलिंग ग्रो कर रही है तो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे. जी बेटा, सनलाइट की तरफ स्पेस टेंड हो रहा होगा इनका और ये वैसे वैसे ग्रो कर रही होंगी, तो यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं प्लांट्स. अनलाइक प्लांट्स, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं एनिमल्स. एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं ताकि फूड फाइंड आउट कर सकें, वाटर फाइंड आउट कर सकें, अपने लिए शेल्टर होम फाइंड आउट कर सकें, और टू अवॉइड डेंजर. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मूवमेंट कॉल्ड लोकोमोशन. तो जो मूवमेंट लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं लोकोमोशन. और लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए, मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए सब एनिमल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्लास. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, क्या नजर आ रहा है इसमें? यस, एन इंसेक्ट. कौन सा इंसेक्ट है ये? बटरफ्लाई. क्लास, बटरफ्लाई मूव्स बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स. ये अपने विंग्स को फ्लैप करके मूव करती है. व्हाट अबाउट दिस पिक्चर, क्या नजर आ रहा है इसमें? A jellyfish. A jellyfish squeezes water out of its bell-shaped body. ये अपनी बॉडी में वाटर फिल करती है और फिर उसे स्क्वीज करती है. वाटर फिल करती है, स्क्वीज करती है और इस तरह अपनी मूवमेंट परफॉर्म करती है. Jellyfish. Now come to next picture. A picture of leech. So class, leech कैसे परफॉर्म करता है अपनी मूवमेंट को? जितने भी वर्म्स होते हैं यहाँ पे आपको लीच के मेना है, ये अपनी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. यहाँ पे लीच की पिक्चर गिवन है. कैसे परफॉर्म करता है अपनी मूवमेंट को? द लीच कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स मसल्स टू मूव अलोंग इट इन लूप्स. ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव कर होना शुरू जाता है तो इसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. फिर दोबारा से अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आगे मूव होना शुरू जाता है तो उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. इन दिस वे ये अपनी मूवमेंट परफॉर्म करता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पिक्चर शोइंग बार्निकल. यस क्लास, द बार्निकल फिक्सेस इटसेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ. ये अपनी सारी लाइफ टाइम में एक ही प्लेस से फिक्स रहते हैं.
व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग क्लास? यस, स्नेक। स्नेक कैसे मूव करता है तो सबने देखा होगा क्लास। फायर, बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रेवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी अ स्नेक मूव्स साइलेंटली फॉरवर्ड। ये अपनी पूरी बॉडी लेंथ जितनी भी होती है उसमें ये लूप्स बना लेता है और फिर उसके बाद साइलेंटली ये आगे मूव करता है इस मैनर में, एस शेप मैनर में, ऐसे ऐसे मूव करता है स्नेक। ओके क्लास, नाउ कम टू दिस पिक्चर। क्या नजर आ रहा है इसमें? अ हमिंग बर्ड। आप सबको पता है कि हमिंग बर्ड इतनी स्मॉल होती है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड क्लास। हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है। बहुत लाइट वेट इसका स्केलेटन होता है। ये खुद भी बहुत छोटी सी होती है लेकिन इसके विंग्स बहुत अच्छे बनाए हैं। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है इसे। इसके विंग्स मॉडिफाइड होते हैं और लार्ज होते हैं जिसकी वजह से ये उन्हें फ्लैप करके फ्लाई करती है। नाउ कम टू दिस पिक्चर। माशाल्लाह कितनी अच्छी पिक्चर है यहाँ पे। कौन सी फिश बनी हुई है ये? गोल्ड फिश क्लास। कितना अच्छा डिज़ाइन किया है अल्लाह ताला ने इसको। तो फिश कैसे मूव करती है वाटर में? फिश वाटर में अपने हेड को, फिन्स को और बॉडी को मूव करके स्विम करती है। अ फिश यूजेस इट्स हेड, बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू वाटर। ओके क्लास, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ग्रोथ। ये तो आप सबको ही पता है कि सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। जितनी भी यंग लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। एक ऐसा टाइम आता है लाइफ में कि उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, वो ग्रो करता है, फिर वो इतने टाइम बाद जाके एडल्ट बन जाता है। उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जब वो एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। तो वो स्टेज जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है उस स्टेज को हम कहते हैं एडल्ट। दैट स्टेज और दैट पॉइंट इन स्टेज इज कॉल्ड एडल्ट। फिर जब एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। अ ह्यूमन बॉडी टेक्स ओवर 20 इयर्स टू ग्रो टू फुल साइज। ह्यूमन बॉडी को कितना टाइम लास्ट रिक्वायर होता है एक फुली साइज में ग्रो करने के लिए? अबाउट 20 इयर्स। क्लास लुक एट दिस बॉक्स, आपको एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है। डू यू नो कि आपके ईयर्स और आपकी नोज ये इनकी ग्रोथ होती रहती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? यस क्लास, इट इज सो इंटरेस्टिंग। एंड दे ग्रो इन एवरेज ऑफ अबाउट 0.22 मिलीमीटर पर ईयर। इज दिस इंटरेस्टिंग? यस क्लास, इट इज इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। Now move to page number 24. Class open page number 24. Look at this picture showing young snakes and adult snakes. A young snake of about the size of a finger grows into an adult snake about 2 meters long. यह छोटा सा स्नेक जो कि फिंगर के साइज का होता है यंग स्नेक ग्रो कर जाता है एक एडल्ट स्नेक में अबाउट 2 meters लॉन्ग। नाउ व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग क्लास? टाइगर विद अ कब। जो टाइगर कब होता है कितने टाइम लेता है? जी क्लास, कुछ ईयर्स लेता है ताकि वो ग्रो कर सके एक एडल्ट टाइगर में। इसी तरीके से एक जो प्लांट बीन होता है और सीड ऑफ प्लांट, उसे कुछ वीक्स लगते हैं ताकि वो एक सीडलिंग में ग्रो कर सके। और एक सीड को एक फुली टॉल ट्री में ग्रो होने के लिए बहुत सारे एयर्स लगते हैं। नाउ कम टू कॉन्सेप्ट्स है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि सेंटेंसेस कंप्लीट हो सकें। नंबर वन, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो व्हेन दे आर डैश। व्हाट डू यू थिंक क्लास? व्हाट विल कम हियर? एग्जैक्टली, दे ऑल ग्रो व्हेन दे आर यंग। यस क्लास,
Young will come here. Now come to number 2. Growth slows down and stops at some stage in dash. आपको यहाँ पे फिल करना है वर्ड से ताकि कंप्लीट वर्ड बन सके. What do you think class? Adulthood. Adulthood is the right answer. Adulthood में growth stop हो जाती है. Now come to number 3. All living things move. Movement is called dash. It uses up energy. जी क्लास, लिविंग थिंग की मूवमेंट को क्या कहते हैं? वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली. यस क्लास, वेरी गुड. लोकोमोशन. लोकोमोशन इज द राइट आंसर. नाउ मूव टू पेज नंबर 25. ओपन पेज नंबर 25 क्लास. फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. सारे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकें, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके. एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये तो सबको पता है ना क्लास. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. फिशेस. फिशेस कैसे अपना फूड फाइंड आउट करती हैं? कैसे? यस क्लास, फिश स्वैलो देयर फूड. फिश अपना फूड स्वैलो करती हैं एज अ होल और इन लम्स. What about herbivore or grass-eating animals, class? Yes. They take in their food and chew their food. They eat grass. What about an insect? Mosquito. Mosquito kaise apna food intake karta hai, class? Yes, a mosquito uses its sharp needle to suck blood from animals and humans. Ye apni sharp needle use karta hai taake blood suck kare humans mein se aur एनिमल्स में से. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पार्ट प्लांट्स. प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है. प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं क्लास? प्लांट्स तो अपना फूड दूसरों से नहीं ले सकते. प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन प्लांट्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अच्छा, इस प्रोसेस में कैसे फूड बनाते हैं? बाय यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. लेकिन सारे प्लांट्स अपना फूड इस तरह से नहीं बनाते. यू कैन सी दिस पिक्चर क्लास. आपको यहाँ पे एक प्लांट की पिक्चर गिवन है. देखें क्लास, ये आपके पास ग्रीन प्लांट है. अब इस प्लांट को क्या क्या चाहिए अपना फूड बनाने के लिए? ये क्या क्या ले रहा है ये एनवायरनमेंट से? अपनी सनलाइट ले रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एयर से, और वाटर ले रहा है ग्राउंड से, ताकि खुद अपना फूड बना सके. सो क्लास, दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू रीड थरली पेज नंबर 22 टिल 25. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज.